गए थे रोजगार के साधन नहीं रहे, और ऐसे में अगर आपके रोजगार पर दिए हुए रोजगार पर इस तरह का कुठारा घात होता है तो हम उसकी दर्द को महसूस कर सकते हैं। तो मैं इन्हीं शब्दों के साथ आपको ये आश्वासन देते हुए कि आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, हमारी कांग्रेस पार्टी, हमारे सभी विधायक, ऐसा नहीं है कि केवल मात्र हम लोग विपक्ष के लोग हैं, तो इसीलिए विपक्ष की बात हो चाहे सत्ता पक्ष की बात हो, हर एक जायज मांग को उठाना एक चुने हुए नुमाइंदे की विशेष तौर से ये जिम्मेवारी बनती है। हम लोग केवल राजनीति करने के लिए ही राजनीतिक व्यक्ति नहीं होते, जो सामाजिक चाहे समस्याएं हो, एक सामाजिक रूप में भी, एक जनरल व्यक्ति के रूप में भी मांगों को उठाना हमारी जिम्मेवारी बनती है। जो हमारे पॉलिटेक्निक के गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक गेस्ट फैकल्टी एसोसिएशन ने भी हमें अपना मांग पत्र दिया है, मैं उनको भी आश्वासन देती हूँ, क्योंकि उनकी तरफ से तो हमारे संज्ञान में आया कि इस समय HPSC को भर्ती शायद वो उन्होंने करने के लिए दे दी है, तो इसमें उनको भी पूरा हक उनका अच्छे से मिलना चाहिए, उनको स्पेशल तवज्जो इस बात में दी जानी चाहिए। कल ही जो हमारे हरियाणा प्रदेश में 4 इंजीनियरिंग कॉलेज है, जिसमें हमारे झज्जर का चौधरी रणवीर सिंह इंजीनियरिंग कॉलेज है, जब से वो कॉलेज बना है, जब से क्लासेस हैं, सरकार ने लगातार कॉन्ट्रैक्ट भर्ती पर रखा है, तो इस वजह से क्योंकि इनको रेगुलर स्केल नहीं वो देना चाहते, आपको कॉन्ट्रैक्ट पे रखा है, बताया 5700 आपको फिक्स्ड पे समय दे रहे हैं, पॉलिटेक्निक वालों को 53,000 उन्होंने कहा है, सरकार को आपको बेनिफिट्स ना देने पड़े, क्या करेंगे।